भीलवाड़ा जिले की आसिन तहसील के बरसनी गांव में, जहां 2019 के तात्कालीन पटवारी व गिरदावर की गलत रिपोर्ट से तात्कालीन पंचायत ने उस गलत रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम समाज को हिंदू समाज के शमशान घाट पर जमीन का आवंटन कर दिया, जिससे हिंदू समाज में भयंकर आक्रोश व्याप्त है और निकट भविष्य में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क सकता है। बरसनी गांव के ही युवा किशनपुरी ने 2019 के तात्कालीन पटवारी व गिरदावर ने रिपोर्ट में गलत तरीके से पहले से ही कब्रिस्तान का संचालित होना बताया, जबकि वहां पर बरसों से हिंदू समाज के गोस्वामी समाज की समाधियां बनी हुई है। इस मामले को लेकर गोस्वामी समाज के ही किशनपुरी के नेतृत्व में कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन देकर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की जमीन को रद्द कर अन्यत्र आवंटन करने की मांग की गई, मगर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से हिंदू समाज में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। नवभारत समाचार आसिन राजस्थान से सांवरमल शर्मा की खास रिपोर्ट। आपका नाम? नाम क्या है? किशनपुरी गोस्वामी। आपकी समस्या क्या है? समस्या यह है कि समाधि लगी हुई हमारे पापा जी की है, हमारे दादी माँ की है, उसमें समस्या यह है कि यहाँ पे मुसलमानों के कब्रिस्तान का नाम पे जगह अलॉटमेंट कर दिया। कब हुई है अलॉटमेंट? ये 15-20 दिन हो गया मेरे को मालूम पड़ा, सरपंच साहब और सचिव साहब पटवारी साहब यहाँ पे आके मापा जब मालूम पड़ा। तो फिर बाद में आपने क्या किया? मैंने यहाँ पे ज्ञापन देखा है, तहसीलदार साहब को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया, फिर भी कोई सुनाई नहीं। सरपंच साहब ने बोला कि भाई अभी करवा देंगे, जो अभी 30 तारीख को बोला, हालत की कोई सुनाई नहीं। ये जो आवंटन हुआ इसके कब्रिस्तान के नाम पे, तो उस वक्त आपको ध्यान था या नहीं? नहीं था। मेरे को कुछ भी नहीं, यहाँ पे मापने आया जब मालूम पड़ा, यहाँ पे आवंटन होने के बाद मापने अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब इसको निष्ठ कराएंगे, उसको दूसरी जगह दो, हमारे को तो वापिस दो, हमारे को तो कब्जा कर लिया पूरा, जबरदस्ती से मना कर दिया, डोल डला दिया चारों तरफ। भविष्य में क्या हो सकता है इसका? भविष्य में यही होगा, उसके नाम पे जो कर ले तो अभी तो प्रेम से दे देगा, फिर बाद में पहाड़ के फाकेगा, दूसरी बार नाम पे उसके हो गई, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दूसरी जगह दो उसको, इसको कैंसिल करो, खर्च करो, इसको खर्च करना है, और दूसरा दंगा होगा। उस हमारी भी डोकरी बीमार है अभी, तो कभी भी हो जाता है, फिर बाद में हम दोनों आपस में लड़ेंगे। लड़ने से गांव में सद्भावना बिगड़ सकती है क्या? बिगड़ सकती है, चलो खेलना, मतलब बेजामारी वही जोरदार है तो ठीक सर।